ये वो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं जो छोटा व्यापार लगाया करते थे, चाट फुल्की की दुकान लगाया करते थे। 100 से 200 रुपए 250 रुपए इनकी बचत हो जाती थी दुकान से, किराए में दुकान वालों से जो है वो उधारी पे सामान लेते थे और उसके बाद अपनी रोजी रोटी चलाते थे। मेरे विजुअल पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ठेले वाले लोग हैं जो छोटा छोटा ठेला लेकर जो है बाहर प्रदेश से आए हुए हैं और इन लोग जो है किसी तरीके से चौराहे पर खड़े हो जाते थे और अपनी चाट फुल्की बेचते थे, 200-250 रुपया कमा लेते थे और अपना जीवन यापन करते थे। मैं साथ में आपको बता दूं किराए का मकान भी है इनका, किराया भी मकान का देना है, साथ में अपने बाल बच्चों को पालना है। ये व्यक्ति जो तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं फैमिली देख रहे हैं, ये झांसी से हैं मेरे ख्याल से, झांसी से रहने वाले हैं इन लोग रहते हैं। आइए पहले इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में लॉकडाउन लगने के बाद में जब पहले लॉकडाउन लगा था क्या स्थिति थी और दोबारा भी क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? वीर सिंह। कहाँ के रहने वाले? झांसी। कितने वर्षों से यहाँ पर हैं? यहाँ हो गया हमको 18-20 साल हो गया। तो ये जब लॉकडाउन पहली बार लगा था तो उस समय पे क्या दिक्कत सामना करना? ये दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत सामने हो गई थी, खाने के लिए कुछ नहीं था यहाँ पर मेरे पास। मैं घर से आया 2-3 दिन हुआ और लॉकडाउन लग गया तो फिर जो है यहाँ खाने के लिए बहुत दिक्कत होने लगी। अब ये दोबारा जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो ये क्या मालूम था आप लोगों को कि लॉकडाउन? नहीं, दोबारा मालूम, ये कोई मालूम नहीं था कि लॉकडाउन लग गई। शनिवार संडे बंद होने को कहा था, ये लॉकडाउन लग गया तो बहुत दिक्कत होने लगी अब खाने की। अब ठेले भी नहीं लगते हैं तो किराया भी देने में बहुत दिक्कत है। कितने ठेले चलते थे आप? दो, एक लड़का लगाता था एक मैं। कितनी कमाई हो जाती है दिन भर? 200-250 रुपये बस। 200-250 रुपये बच जाते थे। हाँ, ये मकान जो किराए पर है तो इसका भाड़ा भी देना पड़ता होगा? बिल्कुल देना पड़ता है, 2000 रुपये इसका भाड़ा लगता है। अभी आपको खाने पीने के लिए फिर क्या? खाने पीने के लिए कुछ आइए नहीं यहाँ पर अभी मेरे पास। अब तो क्या करेंगे आप, रुकेंगे या घर जाएंगे, क्या कहना? सोच तो ये रहा कि 10 दिन बाद खुल जाएगा तो अपने धंधा करने लगेंगे और नहीं खुलेगा तो घर ही जाना पड़ेगा और क्या करेंगे। सिंह बघेल। कहाँ के रहने वाले हो? भिंड मुरैना। भिंड मुरैना। तो यहाँ कितने वर्षों से दुकान कर रहे हैं? यहाँ हमको हो गई कम से कम 11-12 साल हो गई है। तो ठेले जो फुल्की लगाते थे? हाँ, कितनी कमाई हो जाती थी? 150-200 रुपये, 250 रुपये होती थी बस, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। तो ये जब से लॉकडाउन लग गया है तो क्या आपकी दुकान तो बंद हो गया? दुकान बंद हो गया, फिर रूम का प्लस किराया भाड़ा देना, तो फिर कहाँ से देगा? हम तो इसके लिए रुके थे, हम सोचे रविवार और शनिवार रहेगा जैसे बंद, और इसके बाद तो फिर पता चला 26 तक बंद हो गया डायरेक्ट। ये खाने पीने के लिए अब क्या क्या व्यवस्था चलती है? खाने पीने की व्यवस्था तो क्या करें, कौन अपने पास रखा रहा 1500, तो उसी से अपना खर्चा पानी चला रहे हैं ऐसे बने जैसे। पूरा परिवार लिए आदमी तो फिर दिक्कत अधिक है। अब ये लॉकडाउन अगर नहीं खुलेगा तो फिर स्थिति तो आपकी गंभीर हो जाएगी। स्थिति मेरी इतनी बेकार हो रही है, नहीं होगा तो फिर हमको आना जाना पड़ेगा ना फिर। नहीं, लेकर भी रहते हैं आप? हाँ, पूरा परिवार लेकर रहते हैं, अकेले तो रहते नहीं यहाँ कोई। कितने ठेले चलते हैं आपके? दो ठेले चलते हैं। दो कर्मचारी रखे हैं? हाँ, घर के ही हैं सब। देखिए, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये हैं इनके भाई हैं और परिवार हैं। ये जो है चाट मैंने फुल्की की दुकान लगाते थे, 200-250 रुपये इनकी बचत हो जाती थी, अपने परिवार लेकर यहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके साथ में, छोटे बच्चे भी लेकर रहते हैं और ये इसी प्रकार से उनका चलता था। अचानक जो है लॉकडाउन की घोषणा हो गई, इनकी दुकानें जो हैं बंद हो गई, अब इनको खाने के लाले लग चुके हैं। शासन प्रशासन द्वारा इनकी क्या मदद की जाएगी? मेरा बार बार वही प्रश्न था कि छोटे व्यापारियों के लिए क्यों नहीं सोचा गया कि एकाएक लॉकडाउन लगा देंगे, लेकिन जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं उनका क्या हाल होगा? देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर है जो ये भी है बाहर से आया हुआ, अब इनके साथ में रह रहा है क्योंकि माता पिता के छोड़ के तो नहीं जा सकता है, ये बच्चा इनके साथ में है, बाहर से प्रदेश से इन लोग आए हुए हैं। अब इनको लॉकडाउन का अगर माना जाए तो कर्फ्यू लॉकडाउन जो लगा दिया गया उसका दूसरा दिन है ये, 2 दिन तो इन्होंने झेल लिया, अभी 8 दिन और इनको झेलना है। हो सकता है 8 दिन बाद अगर बढ़ा दिया जाए तो उनको मुसीबत जो है वो कहीं ना कहीं पर आ जाएगी। कर्ज लेकर ये दुकानदार से जो है अपनी जीवन यापन का सामान की सामग्री जो होती है वो चला रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन क्या ऐसे लोगों के लिए कुछ राहत पैकेज बनाती है या कुछ राहत देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ। क्या आप भी बाहर की दवाइयों को लेकर रहते हैं परेशान? तो अब आपकी परेशानी हो गई है यूं खत्म। आज ही आए ज्योति मेडिकल स्टोर, जहां उपलब्ध है आयुर्वेदिक और सारी अंग्रेजी दवाइयां 10% की भारी छूट के साथ। साथ ही बड़े शहर
जैसे बनारस, चेन्नई, जबलपुर और दिल्ली के साथ साथ एनसीएल, नेहरू और एनटीपीसी की पर्चियों की दवाइयाँ भी आसानी से उपलब्ध हैं। अब घर बैठे कभी भी ऑर्डर करें और पाएं फ्री डिलीवरी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्योति मेडिकल स्टोर, UBI रोड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939, 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।